दोस्तों, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज हम आपके सामने योगी सरकार के कार्यकाल के उन कार्यों को बताने जा रहे हैं जो कार्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए और आज पूरी तरह से काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में इस दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है। इससे नोएडा में 20,560 करोड़ रुपए का निवेश आया है और करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। योगी सरकार के 4 साल के दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों को करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटन किया गया, जिनकी संख्या 527 है। ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का 2रा साल था। कोरोना की पहली लहर से सबक लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपदा में भी कड़ी मेहनत से काम किया और इस दौरान 186 कंपनियों को आवंटन किया गया। इन औद्योगिक इकाइयों में 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। पिछले 4 साल में सैमसंग, अडानी, कैंट आरओ सिस्टम, हल्दीराम, यूफ्लेक्स, नेपच्यून सिस्टम, रोटो पंप्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स, 197 कम्युनिकेशन, TCS, मदरसन, INGKA केयर सेंटर जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने नोएडा में या तो नई औद्योगिक इकाइयां लगाई हैं या अपने कारोबार का विस्तार किया है। हम पहले भी समय समय पर इस विषय पर वीडियोस बनाते रहे हैं। पिछले 4 वर्ष के दौरान 10,757 करोड़ रुपए से 2,136 बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर शहर के विकास को रफ्तार दी गई है। इधर नोएडा प्राधिकरण ने जो प्रोजेक्ट्स पूरे किए उनमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वालाइन मेट्रो, कमांड कंट्रोल सेंटर, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय का निर्माण और शहर के सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का निर्माण शामिल है। कहना गलत न होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विकास मंत्री की अगुवाई में नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ शहर के निवासियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 तक 28 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इनमें 3,062 करोड़ रुपए की लागत आई है। शहर में यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेकों कार्य कराए गए हैं। सड़क निर्माण से लेकर 6 जगह मल्टी लेवल कार पार्किंग, सेक्टर 21A में इंडोर स्टेडियम, 14 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज का निर्माण भी कराया गया है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 33A में शिल्प हाट बनवाया। 10 एकड़ के इस हाट में 10,000 वर्ग फीट की आर्ट गैलरी, 2,000 वर्ग फीट का म्यूजियम और ऑफिस, 146 दुकानें, फूड कोर्ट में 19 स्टॉल्स, 7 एम्पोरियम सांस्कृतिक केंद्र, 1,080 वाहनों की पार्किंग, 800 दर्शकों की क्षमता का एम्फीथिएटर और 96 आर्टिस्ट की क्षमता की डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अब आगे बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के उन गांवों के बारे में जो जल्दी ही स्मार्ट बन जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के 14 गांवों को स्मार्ट बनाने की पहल हो चुकी है। हाल ही में स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने मायचा गांव से इसकी शुरुआत की। स्मार्ट विलेज योजना से गौतम बुद्ध नगर के सभी गांवों की सूरत बदल जाएगी। मायचा को स्मार्ट विलेज बनाने में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव के तालाब का सौंदर्यकरण किया जाएगा, खेल का मैदान विकसित किया जाएगा, रोड, बिजली, सीवर, पानी, सामुदायिक केंद्र, कॉमन हॉल, लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन कार्यों को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज के अंतर्गत 14 गांवों में विकास कार्यों पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राधिकरण ने पहले चरण में जिन 14 गांवों को स्मार्ट बनाने की पहल की है उनमें ग्राम मायचा, छपरौला, सादुल्लापुर, तिलपता करनवास, घरबरा, चीरसी, लड़पुरा, अमीनाबाद, सिरसा, घंघोला, अस्तौली, जलपुरा, चिपियाना खुर्द तिगड़ी, यूसुफपुर, चक शाहबेरी शामिल हैं। इन गांवों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है।
सभी गांवों में इस साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 5 और गांव स्मार्ट बनाए जाएंगे, जिनमें चूहड़पुर, पुराना हैबतपुर, बिसरख, हल्दौनी और रिचपाल गढ़ी शामिल हैं। इन गांवों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है। आइए बताते हैं कि स्मार्ट गांव परियोजना के तहत किन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना में शामिल हैं सड़कें, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति और बिजली के कार्य, सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर और प्राथमिक विद्यालय का विकास, हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का कार्य, वाईफाई की सुविधा, खेल के मैदानों का विकास, तालाबों का संरक्षण, सौर ऊर्जा का संरक्षण, कूड़े का प्रबंधन, स्ट्रीट फर्नीचर का लगाया जाना, युवाओं को हुनरमंद बनाना और युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।